हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक मिनट, ये तो आपको वीडियो के टाइटल और थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो हमारी है मफलर पर। विंटर चल रहा है दोस्तों, मतलब मफलर का सीजन चल रहा है। मफलर हमारे लुक को चेंज करने के साथ साथ हमें सर्दी से भी बचाता है। मगर दोस्तों, मफलर तभी अच्छा लगता है जब उसे पहनने का सही तरीका हमें पता हो। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी कि स्वैगर गबरू आपको मफलर बांधने के 8 सिंपल और सेक्सी तरीके बताएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1 पे जो स्टाइल है वो है बहुत ही सिंपल और काफी टाइम से चला आ रहा है, जिसे हम कैजुअल और फॉर्मल दोनों ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। इसे पहनने का सही तरीका है ऐसे मफलर को फोल्ड करके ऐसे अपने गले में डालकर बराबर कर लेना, और देखो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है और लुक अच्छी आएगी। नंबर 2 पर है सिंगल नेक, ये हमें ठंडी से भी बचाएगा और लुक इसकी बहुत ही जेन्युइन आती है। इसे पहनने का सही तरीका है, इसको मफलर को पहले उसी तरीके से फोल्ड कर ले, उसके बाद एक साइड थोड़ी लॉन्ग और एक साइड थोड़ा छोट रखे। जो लॉन्ग वाली साइड है उसको गर्दन के ऊपर से घुमा ले और थोड़ी सेटिंग कर ले। लो जी, हो गया सिंगल नेक। अगर आप न्यू लुक ट्राई करना चाहते हो और ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो आप डबल नेक ट्राई करें। इसके लिए आपको थोड़ा मफलर थोड़ा लॉन्ग चाहिए, उसको सेम ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। कुछ वही होगा जो सिंगल नेक में किया था, बस इसको 2 बार ऐसे घुमा देना है। लो जी, हो गया डबल नेक तैयार। नंबर 3 पर है ये सिंपल एंड सोबर, आप इसको पार्टी में ट्राई करना, बहुत ही अच्छी लुक देगा ये। और इसे पहनने का तरीका भी बहुत सिंपल है। इसको पहनने का तरीका है, इसे फोल्ड करके ऐसे गले में डाल लो और इसे ऐसे पकड़कर इसके ऊपर से निकाल दो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। नंबर 4 पर है ये, इसकी लुक बहुत ही शानदार बनती है। इसको भी फॉर्मल और कैजुअल दोनों के साथ ट्राई कर सकते हो। ज़्यादातर जिनकी हाइट कम है वो इसे जरूर ट्राई करें। इसको पहनने का तरीका भी बहुत इजी है, इसको पकड़कर फोल्ड कर दें और फिर नेक के ऊपर से ऐसे घुमा लें, इसके बीच में इसको पकड़ के ऐसे निकाल दें। लो जी, हो गया स्वैगर गबरू तैयार। और नंबर 5 पर है ये, जिसकी लुक बिल्कुल टाई की तरह आती है। अगर आपने थोड़ा डिफरेंट और जेन्युइन लुक ट्राई करना है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। इसको बांधने का तरीका है, पहले एक साइड थोड़ी लॉन्ग रख ले, जो साइड लॉन्ग है उसको ऐसे फोल्ड करके इसके बैक साइड से ऊपर की तरफ निकाल लें, और अब दूसरी साइड को भी इसके बीच में डालकर ऊपर की तरफ निकाल लें, और अब इसे टाई की तरह ऊपर कर लें। बहुत ईजी है और लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी देता है। नंबर 6 पर है ये ज़्यादा ठंडी में बहुत ही अच्छा रहता है और सिंपल सोबर लुक देगा। इसको पहनने का तरीका है, ऐसे एक साइड थोड़ी लॉन्ग रख लें, जो साइड लॉन्ग है उसको अपनी गर्दन के ऊपर से घुमा लें और फिर इसके ऊपर से नीचे निकाल दें, और दूसरी साइड को भी ऐसे ही सेम तरीके से निकाल दें, और अब थोड़ी सेटिंग कर लें। लो, अब देखो लुक कितनी शानदार आ रही है। नंबर 7 पर है ये लुक, जो बहुत ही शानदार और सिंपल लुक देता है और हमें ठंडी से भी बचाता है। ये वाले स्टाइल के लिए दोस्तों मफलर की लेंथ थोड़ी लॉन्ग होनी चाहिए। इसको पहनने का सही तरीका है, फोल्ड करके ऐसे गले में डाल लें और एक लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग रखें, जो लेंथ लॉन्ग है उसको ऐसे घुमा कर अपने गर्दन के ऊपर से घुमा लें और ऐसे थोड़ी सेटिंग कर लें। सेटिंग करने के बाद इसको ऐसे पकड़ के नीचे की तरफ और उसको ऊपर घुमा दें, और ऐसे थोड़ी सेटिंग करने के बाद इसकी लुक देखो कितनी शानदार आएगी। और नंबर 8 पर है वो है मेरा फेवरेट,
जो कि कॉमन नहीं है दोस्तों। आप एक बार जरूर से ट्राई करें। इसे पहनने का सही तरीका है दोस्तों, ऐसे फोल्ड करके अपने गले में डाल लें और इसको इसके बीच में से निकाल दें। निकालने के बाद इसे थोड़ा घुमा लें, घुमाने के बाद दूसरी साइड को भी इसके बीच में से निकाल दें और थोड़ा खींच कर इसे अब सेट कर लें। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार लुक आएगी, देखो कितना अच्छी लुक दे रहा है ये।